तो अब ये क्या हम ले लिए आप लोगों के सामने। तो चलिए भाई, फरमाइश वाला फिर से नाश्ता कहिए इन्हें, या डिनर कर सकते हैं या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, और इसे भी चाय के समय वाला टी टाइम भी कर सकते हैं। तो हम ले लिए यहाँ पे कुछ मसाला भाई, फरमाइश वाले हैं कि हाँ रोज दिन एक ही चीज बना बना करके हो गए बोर। तो हमारे पसंद के बच्चों को करेंगे, हमारे पसंद को कुछ तो बनाओ। अब बच्चे के साथ साथ बड़े भी में घुस जाते हैं क्योंकि हाँ भाई होना चाहिए कुछ। तो आज हम फिर से स्पेशल बहुत ही अच्छा टेस्टी, मतलब कम तेल सोखने वाला नाश्ता लेकर के आए हैं फ्रेंड्स। चलिए देखिए क्या क्या बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मीना। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम कुछ मसाला ले लिए हैं, जो कि मसाला पहले से ही तैयारी करना पड़ता है क्योंकि हलवाई स्टाइल हमें बनाना है, ब्रेक ब्रेड वाला पकौड़ा। तो ब्रेड वाला पकौड़ा बनाने के लिए आज कुछ हलवाई जैसा बिल्कुल बनाएंगे, जो कि मतलब रेस्टोरेंट में भी मिलते हैं आजकल, हर खाना तो रेस्टोरेंट में एक से एक मिलते हैं, लेकिन हम बनाएंगे यहाँ पे हलवाई स्टाइल। फ्रेंड्स यहाँ पे बातें करते करते हम आप लोग से कुछ कहना भूल गए हैं, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करके वीडियो को शेयर जरूर करें। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं, देखिए 1 चम्मच ये सौंफ है, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया है, इनसे काफी अच्छा फ्लेवर आता है, एकदम मस्त वाला आता है और हलवाई स्टाइल है। यहाँ पे हम ये आधी छोटी चम्मच घर का एक कसूरी मेथी है, तो यहाँ पे क्रश करके ले रहे हैं इनको, इनसे आप स्वाद बहुत ही यकीन मानिए इस तरह से बनाइएगा। तो भाई हम हलवाई वाले बना रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और अगर ना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि आप लोग डिसलाइक नहीं करिएगा क्योंकि वीडियो है ही आज का इतना टेस्टी इतना बढ़िया। तो यहाँ पे ले लिए हम 1 चम्मच आमचूर पाउडर, यहीं पे हम ले लिए एक गरम मसाला जो कि ये आधा छोटा चम्मच है। अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक मसाला लेंगे, तो बेसिक मसाला में जो डेली पड़ते हैं ना वो मसाला, मसाला हम तैयार कर रहे हैं, फिर से बता दे रहे हैं आपको कि ये जले ना मसाला, तो सारा मसाला हम एक साथ ले ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक मसाला में आधा छोटा चम्मच लेंगे जीरा पाउडर भुना हुआ, और आधा छोटा चम्मच ही हम लेंगे धनिया पाउडर। अब एक बात बता दूं, यहाँ पे ये तो पूरा आधा छोटा चम्मच है, तो हम उसका आधा छोटा चम्मच ले रहे हैं, मान के चलिए मतलब ये आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम कम ले रहे हैं। आपको ज्यादा मसाला पसंद है तो ज्यादा ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम भर के लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच, तो 1 बड़ा चम्मच तो है नहीं, थोड़ा हम और लेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और ले लेंगे, थोड़ा सा लेंगे मतलब चुटकी भर हम लेंगे काली मिर्च पाउडर। टोटल मसाला यहाँ पे हम ले लिए हैं। अच्छा अब घर में बना रहे हैं तो यहाँ पे ले ले रहे हैं हम चुटकी भर हींग। हींग इसलिए कि हमारे बच्चे अगर खाएंगे 1 से 2 पीस भी ज्यादा खा लेंगे ना, उन्हें पेट में कभी गैस नहीं होगा, गैस फैस नहीं होगा, कुछ भी नहीं, अच्छे से पच जाएंगे। अब गैस ऑन करके ले लिए हैं कढ़ाई, कढ़ाई में हम लेंगे तेल करीब 2 चम्मच के करीब, सरसों तेल ले रहे हैं, आप कोई भी तेल में बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम अब ले ले रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा अदरक, मतलब 1 इंच अदरक के हम चॉप कर लिए, 1 हरा मिर्च ले लिए ताकि ज्यादा तीखा ना हो। अब हम इनको हल्का सा चलाएंगे थोड़ा सा ताकि ये रोस्ट हो जाए। अब सारा मसाला को तो हम पहले से ही तैयारी कर लिए हैं, तो मसाला को हम ले लेते हैं इनमें, और साथ में ही हम लेंगे मटर, हरे मटर का अभी सीजन चल रहा है थोड़ा, तो हम इन्हें बॉईल कर लिए, आप इस जगह पे फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं, साथ में ही भुनेंगे और इनको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे हम भुनेंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं, इसीलिए सारा मसाला को हम तैयारी करके रख लिए थे। फ्रेंड्स बातें करते करते फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर दूं आप लोगों से कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा, और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर करें, अपना प्यारा प्यारा कमेंट करते रहें। और ये आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है फ्रेंड्स, एकदम लगे रहिए शुरू से अंत तक, वीडियो को धकाधक शेयर करते रहिए। यहाँ पे चलाते हुए मटर को हल्का सा प्रेस करेंगे, है ना, आप चाहे तो आपसे अगर मसाला मतलब ज्यादा गैस पर अगर भून रहे हैं तो जलने का डर है, थोड़ा पानी ले सकते हैं, लेकिन मजा तो तभी है कि बिना पानी का हम मसाला को तैयारी करें यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इनको तो अच्छे से हम प्रेस कर लिए मटर को, देखिए करीब से देखिए, ये देखिए। अब उस्ताद के बारी है, यहाँ पे उस्ताद क्या है भाई, किस चीज से हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा, तो उस्ताद का बारी है। मसाला देखिए हमारा कितना बढ़िया से भुन गया, आप देख रहे हैं बिल्कुल नहीं जले हैं मसाला यहाँ पे। तो बस उस्ताद को हम ले लिए यहाँ पे 300 ग्राम, ये बॉयल आलू है, तो आलू को हम क्या करेंगे कि इस तरह से दबा करके फोड़ के लेंगे, तोड़ लेंगे आलू को इस तरह से, कोई कद्दूकस करके नहीं लेना है हमें, आप कद्दूकस के बनाए स्वाद उसी में भाई, हलवाई वाला बना रहे स्टाइल से तो हलवाई वाला स्टाइल में बनाएंगे। यहाँ पे सारे आलू को हम फोड़ लिए हैं। अब यहाँ पे आलू को इस तरह से प्रेस करते हुए आलू को 2 से 3 मिनट भून लेना है अच्छे से, देखिए इस तरह से।
और मसाला मसाला तो बवाल लग रहे हैं, ये देखिए एकदम चटकदार, क्या सुपर वाला, सुपर से सुपर वाले टेस्टी ये मसाला बनकर तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे लेंगे हम काला नमक आवश्यकता अनुसार जितना जरूरत हो, और यहीं पे लेंगे हम सफेद वाला नमक डेली यूज वाला, तो यहाँ पे भी हम स्वाद अनुसार लेंगे, ज्यादा नमक ना हो तो ले लिए। अब फिर से हम इनको भूनेंगे। तो सारे आलू का चंक्स यहाँ पे खत्म हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जगह पर चाहे आप, तो अगर आपके घर में है तो थोड़ा सा स्वाद के लिए, ऐसे तो कसूरी मेथी लेवे की है हम, बट हल्का सा ले लीजिए तो क्या बात है, एकदम मजा ही आ जाएगा, एकदम बिल्कुल आप कह ही नहीं सकते कि आप ऐसा रेसिपी बना सकते हैं ब्रेड पकौड़ा, तो देखिए इनसे तो और लाजवाब बनेंगे। तो हमारा भाई यहाँ पे स्टफिंग अच्छे से तैयार हो गए हैं, अब चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल ले लिए हैं, अब बाउल में हम लेंगे बेसन। तो ध्यान रहे कि अगर आपका बेसन थोड़ा मोटा है तो आप छान लीजिए, हमारा बेसन तो एकदम बारीक वाला है, तो इसीलिए लिए। इससे क्या होता है कि हमारा ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल हलवाई वाला बनेंगे। तो यहाँ पे हम 1 कप ले लिए हैं, और 1 कप और लेंगे भर के बेसन लेंगे हम। यहाँ पे हमारा बैटर बहुत अच्छे से तैयार होंगे, तो देखिए यहाँ पे हम 1 कप बेसन, लगता है कि आज हमारे डिब्बे का खजाना में 2 ही कप बेसन है क्या, देखिए एकदम थोड़ा सा बचे फ्रेंड, देख रहे हैं। तो चलिए 2 कप तो काम भर हो गए हैं, यहाँ पे हमको इतना ही चाहिए था बेसन। और हाँ, जहां तक बच्चे का खुशी है तो भाई किसी ना किसी तरह तो आदमी एडजस्ट कर ही लेता है, तो एडजस्ट नहीं कर रहे, पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे लेंगे हम नमक, नमक लेंगे हम अपने हिसाब से थोड़ा सा स्वाद अनुसार, क्योंकि ध्यान रहे चोखा में भी मतलब स्टफिंग में भी नमक लिए हैं। अब यहाँ पे लेंगे हम, आप देख सकते हैं बेकिंग पाउडर, देख रहे हैं ना, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर ले रहे हैं। अगर हम बेकिंग सोडा लेंगे तो उनमें तेल बहुत ज्यादा पीते हैं, तो ध्यान रहे कि बेकिंग सोडा नहीं लेना है, हम बेकिंग पाउडर ले रहे हैं, ये आधा छोटा चम्मच के करीब ले रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ले लिए आधा छोटा चम्मच के करीब अजवाइन, इनसे स्वाद तो मत पूछिए, हा, स्वाद के साथ साथ पाचन में भी बहुत काम आते हैं। तो अब इनका अच्छा सा एक बैटर तैयार करना है। अब बैटर कैसे तैयार करना है, आइए यहाँ पे इसी कप से हम 1 कप पानी लिए हैं, अब थोड़ा थोड़ा करके हम इनमें लेंगे पानी और अच्छे से मिलाएंगे चम्मच से, क्योंकि यहाँ पे हमें चम्मच की ही जरूरत है, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी मिलाएंगे, चम्मच से हम मिलाते जाएंगे। तो यहाँ पे पूरा 1 कप पानी हमारा लग गए हैं, तो काफी बेसन ठीक है। अब क्यों हम चम्मच लिए हैं यही बता दे रहे हैं, तो यहाँ पे 1 कप पानी फिर से लिए, जितना जरूरत होगा उतना पानी लेंगे। तो यहाँ पे अभी 2 से 3 चम्मच पानी ले लेते हैं। अब बारी है हाथों की, यहाँ पे आपको लेजीपन नहीं करना है कि हम कोई मतलब जो भी पिक्चर से या चम्मच से कर ले तो काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से इन्हें मतलब क्या करना है, फेटाई करना है, अच्छे से इनको थकाना है। खुद तो थकबे करिएगा, हाथ में दर्द हो जाएंगे, लेकिन थकना नहीं है, तो कम से कम 4 से 5 मिनट इन्हें यहाँ पर अच्छे से फेटना है एकदम। अब 3 से 4 मिनट यहाँ पे अच्छे से फेट लिए हैं, इनका हल्का कलर आप देख रहे होंगे चेंज हो गया है, तो फेंट लिए। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा टेस्ट के लिए हम अपने लिए ले ले रहे हैं, आपको पसंद हो तो लीजिएगा, नहीं तो इनको स्किप कर दीजिएगा, लेकिन यकीन मानिए इस तरह से बनाइएगा तो बिल्कुल आपको हलवाई या ढाबा जो भी रेस्टोरेंट है सब भूल जाइएगा यहाँ पे। तो हम ले लिए यहाँ पे हरा धनिया, तो इस तरह से बनाइए। यहाँ पर 3 से 4 मिनट अच्छे से हम फेंट लिए हैं, फेंटने के बाद देखिए इनका कंसिस्टेंसी कैसा है, आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन ये हाँ हो सकता है कि गाढ़ा भी हो सकते हैं, जो पानी हम दोबारा लिए थे ना, तो इनमें से जो आपके सामने पानी हम 2 चम्मच लिए थे बस उतने ही लिए, पूरा पानी बच गया, कि 2 कप बेसन में 1 कप 2 चम्मच पानी आपका लगेगा, आपका बेसन के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स फिर से याद दिला दूं, आप लोग हमारे चैनल पर प्यारा प्यारा कमेंट करना ना भूले, और कहाँ से देख रहे हैं आप लोग प्लीज बताएं, हो सकता है कि अगली बार वीडियो में आप लोगों का नाम लिया जाए, वीडियो में लेंगे, कमेंट में नहीं, वीडियो में नाम लेंगे। तो यहाँ पे इनको रखते हैं रेस्ट पे, अब आ जाते हैं हम ब्रेड पे। अच्छा, ले लिए यहाँ पे हम 4 पीस ब्रेड, ये बीच वाला जो होते हैं ना वही साइज के लिए, आपके पास बड़े साइज का है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका एजेस जो है हम नहीं कट करेंगे, क्योंकि काफी पतला है भाई, क्यों कट करें, और बनाना तो हमें ब्रेड पकौड़ा ही है, तो घर में बना रहे थे इसे क्यों फेंके, आपके पसंद अगर कट कीजिएगा तो इनको फेंकिएगा मत, ब्रेड क्रम बना लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए इनको उठाते हैं। अब 4 ब्रेड के हम फैला लिए हैं, अब 4 ब्रेड में क्या करना है कि यहाँ पे हम पहले से ही तैयारी करके रखे थे हरी चटनी, तो हम 1 स्लाइस उठाएंगे और लगाएंगे हरी चटनी। अब चटनी में भी कुछ टिप्स है, चटनी आपका अगर पतला होगा चटनी तो ब्रेड हमारा पानी पी लेंगे, तो पी लेंगे तो क्या होगा उसे, हो सकता है तेल ज्यादा पी ले, ये बीच में हमारा ब्रेड टूट भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एकदम गाढ़ी चटनी हम बनाए हैं, एकदम हर कोने पर हम लगा रहे हैं गाढ़ी चटनी है, देखिए एकदम ध्यान से, और दूसरी ब्रेड में भी हरी चटनी लगा लेते हैं यहाँ पे।
अब दोनों साइड ब्रेड पे तो हम लगा लिए, दोनों साइड नहीं, एक साइड ब्रेड पे हम लगा लिए हरी चटनी। अब भाई इसमें कुछ टिप्स होना चाहिए क्योंकि बच्चे के पसंद का बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम ले ले रहे हैं ये देखिए शेजवान चटनी, देख रहे हैं। आपके पास इमली चटनी हो, टमाटो केचप हो, वो ले सकते हैं। तो हम शेजवान चटनी लगा रहे हैं, थोड़ा चटपटा होते हैं ना, थोड़ा तीखा, इसीलिए तो यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए शेजवान चटनी इस तरह से हर जगह पर, इन्हें पता ही नहीं चलेगा बच्चे को कि इमली चटनी है कि टमाटो केचप है। तो घर में हमारा शेजवान चटनी था, हम इनको लगा देते हैं। अब अच्छे से ये हमारा कंप्लीट हो गया है, मतलब खाने के लिए नहीं, बस अब आगे उठाइए एक ब्रेड हरी चटनी वाला, और यहाँ पे रख ले हम जो स्टफिंग बनाए ना उनको, और हाथों से, ऐसा कुछ नहीं कि चम्मच से, क्योंकि जो हलवाई वाले होते हैं ना, हाथ से इस तरह से लेते हैं स्टफिंग को, बिल्कुल अच्छे से भर भर के एकदम स्टफिंग करते हैं। देखिए हर जगह से एकदम इस तरह से भरते हैं वो लोग। कभी खाए हैं एक बार? अगर जो जो नहीं खाए हैं आप खाइए, या नहीं तो मेरे तरह घर में एक बार बनाइए, तो आप बाहर का खाना ही भूल जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा से ये स्टफिंग हो गया, देख रहे हैं, एकदम आपका स्टफिंग बाहर नहीं निकलेंगे, हम एकदम किनारे तक भर रहे हैं इनको। देखिए कितना अच्छा से एकदम भर रहे हैं, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये सेजवान वाला उठाए ना, यहाँ पे इनको इस तरह से दबा देंगे एकदम अच्छे से। देखिए कितना बढ़िया से दब गए, इनका स्टफिंग भी अगर निकले ना तो इस तरह से फिट कर दीजिएगा। यहाँ पे चारों ब्रेड हमारा एकदम कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें भी कोई टिप्स बताएंगे, बहुत हमारे बिगिनर लोग हैं ना, क्या करते हैं ना, ब्रेड को फ्राई करके कट करते हैं। तो आज हम आपको बताएं कि ब्रेड के बिल्कुल फ्राई करके कट ना करें, आपका ब्रेड पकौड़ा कभी भी नहीं डैमेज होंगे। तो इस तरह से उलट पुलट के हम देखिए एकदम चिपका दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि ब्रेड पकौड़ा को, ब्रेड पकौड़ा जैसा हम अच्छे से दबा करके पहले ही कट कर लेंगे एकदम आराम से, देखिए इस तरह से। अब हमारा ब्रेड पकौड़ा क्या होगा कि कभी भी नहीं बिखरेंगे, और ये जो है ना इनको इस तरह से एकदम ऐसे चिपका दे एकदम आराम से एकदम। देखिए अब हम ब्रेड पकौड़ा को हम अच्छे से कट कर लिए, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से कट हुए हैं। तो इस तरह से, नए बिगिनर है तो आप पहले से ही तैयारी करके रख लीजिए ताकि आपको दोबारा कट करना ना पड़े। अब हम आ गए बेसन के पास। तो देखिए बेसन यहाँ पे हम इतना पानी लिए हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं हुए हैं, देख रहे हैं अंदाजा, एकदम सही मेजरमेंट लिए पानी, जैसे एक 2 कप बेसन में 1 कप पानी और 2 चम्मच लिए हैं, एकदम देखिए हमें पानी का जरूरत नहीं है, अच्छे से ये तैयार है। अब चलते हैं गैस के पास। अब एक खास ट्रिक, यहाँ पे हम देखिए ले रहे हैं करीब आधा छोटा चम्मच तेल। अब बोलिएगा तेल क्यों? तेल से ये होगा कि एक तो एक खास्ता बनेंगे, और हमारा जो ब्रेड पकौड़ा है ना उनमें बहुत ही अच्छा शाइनिंग आएंगे एकदम हलवाई वाला। अब पता कैसे करें कि तेल गरम है, कितना गरम है? तो चलिए यहाँ पे एक ड्रॉप करीब बेसन का डाल के देख लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसन अपने आप में बहुत खुश है, ये तैरने लगे हैं। तो बस इनको हम ले लेते हैं बाहर, और हम ले लेंगे सीधा ब्रेड पकौड़ा तलने के लिए, देखिए। और अब हम लेंगे यहाँ बेसन में, बैटर में इनको निकाल लेते हैं भाई साहब को, और एक स्लाइस उठाएंगे और अच्छे से इनमें डुबो देंगे एकदम आहिस्ता से एकदम आराम से, देखिए इस तरह से। और अब क्या करना है, सीधे इनको तेल में डाल देना है। क्या करेंगे कि थोड़ी थोड़ी तेल हम इनके ऊपर भी इस तरह से डालेंगे, इस तरह से तेल को डाल लें ताकि ऊपर का भी बेसन अच्छे से पक जाए। देखिए यहाँ पे हम इन्हें उलट पुलट करके देखिए कितना बढ़िया बन रहे हैं ना, एकदम परफेक्ट बन रहे हैं यहाँ पे, और बिल्कुल ये तेल नहीं पियेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम इनको उलट पुलट करके सेक लिए हैं। अभी क्या करने वाले हैं कि बस इनको तेल से हम बाहर निकालेंगे, देखिए कितना बढ़िया बने हैं ना एकदम, और देखिए तेल कहीं से भी नहीं टपक रहे हैं, आप देख सकते हैं ये छन्नी का तेल टपक रहा है, इनका तेल नहीं टपक रहा है। तो चलिए इनको हम अब सीधे एक थाली में ले लेते हैं, और यहाँ देखिए वाह क्या बात है, देख रहे हैं ना। इसी तरह से हम दूसरा भी बनाएंगे। यहाँ पे हम ले लिए फिर से बेसन, और अच्छे से यहाँ कोट करेंगे एकदम परफेक्ट, देखिए हर जगह से जितना एक्स्ट्रा बेसन है ना इनको इस तरह से इसी में ले लीजिए बॉल में, और यहाँ ले लीजिए। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ी देर में एक स्लाइस हम और ले लेंगे उनको साइड करके। अब दूसरे साइड हम ले लेते हैं इनको भी। तो अब हम इसी तरह से उलट पुलट के सेकेंगे, देखिए कितना बढ़िया से सेक रहे हैं। इन्हें भी तेल से बाहर निकाल लेते हैं, देख सकते हैं बाकी अगर पकौड़े होते हैं तो उनमें से तेल टपकते हैं, आप देख रहे हैं कहीं से भी तेल नहीं टपक रहे हैं, देखिए कहीं से भी नहीं। तो इसी तरह से एक पीस जो बचे हुए हैं ना उनको भी हम फ्राई कर लेंगे।
यहाँ पे सारे ब्रेड पकोड़ा हमारा देखने तल करके तैयार हो गया। आप देख सकते हो, वाह क्या लुक लग रहा है, लुक एट दिस फ्रेंड्स, देखिए खाने में क्या लगेगा। तो बच्चे जिद करते हैं तो बड़े को भी जिद पूरा हो जाते हैं, कुछ ना मतलब खाने के लिए मिल ही जाता है। तो आप देख रहे हैं, चलिए इन्हें सर्व करते हैं। सर्व करने से पहले हम एक ब्रेड स्लाइस को कट कर दूं, तो कट कैसे करेंगे, हम यहाँ से हल्का सा यहाँ से प्रेस करेंगे एकदम धीरे से आहिस्ता से, देखिए। और वाओ ये देखिए क्या मजे के है ना, वाओ। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा को हम आइए सर्व करते हैं। आपके घर में एकदम बचने वाला नहीं है, बेसी बनाइएगा नहीं तो मिलने वाला नहीं है फ्रेंड्स। एक और कट करके दिखा दूँ क्या, आप लोग आदेश कीजिए। और ये गया हरी चटनी, ये गया हमारे बच्चों का प्यारा प्यारा, ये चटनी मतलब चटनी नहीं है, शेजवान चटनी नहीं है, टमाटो केचप है। तो यहाँ पे हम देखिए एक और कट कर लेते हैं। आइए ये देखिए, फिर से आहिस्ता से कट कीजिए, हम आपको कट करने के लिए सिखा रहे हैं। तो यहाँ से हम आहिस्ता हल्का सा प्रेस करेंगे, ये देखिए एकदम आराम से नाइफ को अपनी ओर खींच लेना है। देख रहे हैं, लग रहा है जैसे पनीर स्टफ है, जबकि बिल्कुल पनीर हम तो यूज नहीं किए। देखिए कितना मजे के लग रहे हैं, वाह। तो चलिए अब इन्हें अब प्लेट को भाई देर ना करते हुए सर्व कर देते हैं। देख रहे हैं क्या लग रहे हैं अपने आप में, वाह। तो कैसी लगी हमारी वीडियो फ्रेंड्स आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करके अपना अपना प्यारा प्यारा कमेंट करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स। मिलते हैं इसी तरह से एक नई वीडियो लेकर के, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रसोई मीना की, बाय।